ज्यादा एक्सपोर्ट प्रमोशन करता है, जो राज्य सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट के अंदर अपनी जगह बनाता है उसको स्पेशल इंसेंटिव ग्रांट देगा। अगर ये भारत सरकार करती है तो राज्यों को भी लगेगा, ठीक है, तुरंत उसको लगेगा, अच्छा भाई ज्वेलरी का बहुत बड़ा मार्केट है, हमारा तो ज्वेलरी एक्सपोर्ट कम है, चलिए हम इंस्टीट्यूशंस चालू करें, ज्वेलरी की डिजाइन करने वाले इंस्टीट्यूट खड़ी करें, ज्वेलरी बनाने वाले इंस्टीट्यूशंस खड़ी करें, उस प्रकार के मशीन्स की चिंता करें और हम मास प्रोडक्ट ज्वेलरी करके दुनिया का रिसर्च करके किस देश में किस प्रकार की ज्वेलरी चाहिए इसका हम गाइडेंस देने के लिए पूरा ब्रिज बनाएंगे। हम सरकार की तरफ से अगर इन चीजों को करते हैं अपने आप का फायदा होगा। आप मुझे बताइए जी, कभी कभी हैरानी होती है, हमारे देश में हम लोग घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए टिम्बर भी इंपोर्ट करते हैं, इतना बड़ा देश, टिम्बर भी हम बाहर से लाते हैं, टिम्बर के लिए जंगलों को काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रो फॉरेस्ट्री पर बल दें तो खेतों को डिवाइड करने वाले में जो जमीन खराब होती है, हमने देखा उनका खेत, अपने गांव के खेत देखे हमने कि एक खेत खेडूत हो दूसरा किसान हो, दो जमीन जहां डिवाइड होती है तो बीच में बहुत बड़ी जगह वो डिमार्केशन के लिए खराब करते हैं। अगर हम टिम्बर के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री को बल दें और किसानों को कहें कि भाई ये आपको 20 साल के बाद 25 साल के बाद ये पेड़ बेचने का अधिकार मिलेगा, आप मुझे बताइए हमें टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ेगा? अगर टिम्बर इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा तो क्या हमारा डिफॉरेस्टेशन का सेंटर होगा? चीजें छोटी छोटी हैं मित्रों, लेकिन इन छोटी चीजों पर जो बल देना चाहिए वो बल दिया नहीं जाता है और उसी का परिणाम है कि आज हम इस संकट के घेरे में आए हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश के सोना बेरोजगार नहीं, इन दिनों एक काम चल रहा है फैमिली बिजनेस के लिए स्पेशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलती है। अगर किसी परिवार का कपड़े का व्यापार है तो उनका बेटा अगर कपड़े के व्यापार में आना चाहता है तो आधुनिक व्यापार सिखाने के लिए सेपरेट फैमिली ट्रेडिशन के कॉलेज चल रही है। क्यों ना हमारा बुलियन मार्केट इनिशिएटिव, आप गुजरात में आइए, मैं आपको पूरी व्यवस्था देने के लिए तैयार हूं। उनके बेटों उन्हीं की परंपरा कला में आधुनिक सिखाने का हम क्यों ना काम, स्किल डेवलपमेंट क्यों ना करें, बहुत बड़ी मात्रा में क्यों ना करें, हम मार्केट खोजें। मित्रों आज भी हमारे देश के सोनार, आप थाईलैंड में जाइए, आप दुबई में जाइए, हमारे सोनार मिलेंगे आपको, काम करते हुए नजर आते हैं, छोटी 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 जगह लेकर के बैठ गए हैं। मित्रों हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास स्किल है, हमारे पास टैलेंट है, दुनिया में मार्केट है, तो सोना आने की चिंता जितनी करते हैं उससे ज्यादा सोने में वैल्यूएशन करके बाहर कैसे भेजे उस पर अगर हम बल देंगे तो हमारे इस व्यवसाय को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई संकट नहीं होगा। मुझे विश्वास है मित्रों आप लोग जिस चिंता में बैठे हैं हम सब आपके साथ हैं, हम सब मिलकर के इस देश में फिर एक बार पूरे दिन आने देना नहीं चाहते हैं कि ताकि धनी स्मगलरों का पूरा एक नेटवर्क देश के अर्थतंत्र को नोच ले, ये स्थिति हम आने देना नहीं चाहते। और इसको सिर्फ मैं आपसे भी कह रहा हूं कि आपके लोग मिलने आए थे तो उन्होंने जो विषय मुझे बताए थे उन्हीं विषयों को बोल करके रहोगे तो कुछ नहीं होना है। आप उन गरीब सोनार की चिंता की आवाज उठाइए, आप स्मगलिंग होने के कारण होने वाले संकटों की आवाज उठाइए, देश की सुरक्षा पे कैसा खतरा हो सकता है उसकी आवाज उठाइए। आप अपने भलाई के लिए लड़ रहे हैं ऐसा नहीं, इसके कारण देश को नुकसान हो रहा है इसकी आपको चिंता है, इसलिए आप मैदान में आए हैं, इस बात को लोगों तक पहुंचाना ये आपका जिम्मा है। भाई बहनों अच्छा होता मैं रूबरू में वहां आता, आप लोगों के साथ बातचीत करता, लेकिन समय का अभाव था
और उसके कारण मैंने अभिवेक किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने आप लोगों से साथ बातचीत करने का मुझे अवसर मिला है। इसका एक फायदा भी है, अगर मैं वहां रूबरू आता तो हो सकता है कि इनकम टैक्स की रेट जरा ज्यादा। वीडियो कॉन्फ्रेंस आया तो हो सकता है शायद उतना ध्यान नहीं जाएगा, तो हो सकता है आप बच जाएंगे, लेकिन जो ऑर्गेनाइज वगैरह करते होंगे वो तो नहीं बचेंगे। आप उनके लिस्ट में आ गए हो तो तैयारी रखो। आपने मुझे क्यों बुलाया मुझे समझ आता नहीं है, लेकिन मुझे बुलाने से आपने संकटों को मोल लिया है। आजकल बड़ा दुर्भाग्य है देश का, सार्वजनिक जीवन पहले हमने कभी ऐसा देखा नहीं था। वैचारिक विरोध होते हैं, लेकिन इन दिनों पूरी तरह अनाप शनाप झूठे आरोप लगा करके जैसे भी है का दुरुपयोग करो, चाहे ईडी का उपयोग करो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, पता नहीं क्या क्या पाप हो रहे हैं। लेकिन भाइयों, ये पाप का घड़ा भर चुका है। बस 8-9 महीना कुछ परेशानियां झेल ली हैं, उसके बाद हम इस देश को तबाह होने देना नहीं चाहते, हम देश को इस प्रकार से तबाह होना देना नहीं चाहते। भारत का स्वर्ण काल आए, सोना की चिड़िया कहने वाला देश फिर से एक बार सोने के सामने लड़ाई लड़ ले, ये तो कैसे मंजूर होगा भैया। अगर सोने से लड़ाई लड़के सोने की चिड़िया नहीं बनाई जा सकती, हम सोने की चिड़िया इस देश को बनाएं, वही पुरातन वैभव गौरव को वापस लाएं, आत्मसम्मान के साथ 21वीं सदी के अनुकूल अपने देश को आगे बढ़ाएं। इस संकल्प को लेकर के आज का समिट आगे बढ़ेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आपकी पीड़ा के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।